रक्षाबंधन और 15 अगस्त का त्यौहार काफी नजदीक आ गया। वही 15 अगस्त के दिन लोग पतंगबाजी भी शुरू कर देते हैं। वही आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं महरौली इलाके की, जहां पर मार्केट में नए नए तरीके के पतंग भी आ गई है। वही लोग बढ़ चढ़कर नए नए पतंगे खरीदने के लिए मार्केट में भी निकल चुके हैं। अलग अलग तरीके की पतंग काफी दिखने में भी सुंदर लगती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कशिश की रिपोर्ट। महरौली इलाके में पतंगों की दुकानें लगना शुरू हो चुकी हैं। रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर दिल्ली वाले जमकर पतंग उड़ाते हैं, जिसको लेकर अभी से पतंगें मार्केट में बिकने लगी हैं। अलग अलग किस्म की पतंग जो है वो बिक रही हैं और जो मांझे हैं वो भी बिक रहे हैं। चाइनीज़ मांझों पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि हर साल पतंगबाजी और मांझे के बीच फंस कर कई बेजुना पक्षियों की जान भी चली जाती है और कई लोगों के साथ हादसे भी होते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के महरौली इलाके की, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पतंगों का सामान, जिस तरीके से पतंग मांझे चरखी ये सब कुछ बिकना चालू हो चुका है। दुकानदार ने बताया कि चाइनीज़ मांझे पर पूरी तरीके से उसने बैन लगा रखा है और दुकान पर चाइनीज़ मांझा नहीं बिक रहा है, क्योंकि हर साल मांझे की वजह से कई बेजुबान पक्षियों की जान जाती है। देखिए पतंगे, आप अलग अलग तरीके की पतंगे देख रहे हैं, बच्चों से लेकर चाहे तिरंगे की हो, और अलग अलग किस्म की पतंगे मार्केट में बिक रही हैं। जिस तरह बिक्री हो रही थी पतंगों की होती है इस समय में, तो वैसी बिक्री अभी हो रही है? मतलब कि आप चाइना का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं या इंडियन है सारी पतंगे? तो चाइना का सामान आप लोग बायकॉट कर चुके हैं? बायकॉट कर चुके हैं, और इंडियन का ही यूज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा हमारे देश के लिए भी और हमारे लिए भी। चाइना के मांझे से जो चिड़िया करती थी, बच्चों के छोटे लग जाती थी उड़ाने में, तार से करंट लग जाता था, ये सब इस चक्कर में चाइना का मान लो बायकॉट कर चुके हैं। तो लोग मतलब कि इस सामान को, जितने मतलब इंडियन का सामान बिक रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग? पसंद कर रहे हैं बिल्कुल। आपको उम्मीद है जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो उस समय में पतंगे ज्यादा बिकती है, तो उस हिसाब से बिक रही है, बिक पाएगी आगे? बिक पा रही है उस हिसाब से, तो जैसे 15 अगस्त आएगा अभी अच्छा ही है फिलहाल, जो भी नॉर्मल है काम, जैसे पहले होता था ना उससे तो काम कम ही हो चुका है, जैसा भी हो रहा सही हो रहा है।